का मैंने वो नीचे भी लिखा कि ऑल बोन्स अप टिल 5 ईयर्स ठीक है, और लॉन्ग बोन्स 20 ईयर्स तक ठीक है, और मेम्ब्रेनस बोन्स टिल डेथ तक क्या कहते हैं आरबीसीज को प्रोड्यूस करते हैं ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है ये एजेंसी ऑफ रेड ब्लड सेल है ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ल्यूइपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल PHSC ठीक है, ये मेन सेल है आपका ठीक है। अच्छा इससे क्या, इससे तीन सेल निकलते हैं, एक निकलता है ये क्लूनीफॉर्मिक यूनिट स्प्लीन, एक सेम ऐसा ही जैसा ये ल्यूइपोटेंट हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल था एक सेम ऐसा ही निकलता है, और एक इसमें से क्या निकलता है लिम्फोइड स्टेम सेल ठीक है। तीन सेल निकले, एक इस जैसा ही, एक क्लूनीफॉर्मिक यूनिट स्प्लीन और एक क्या निकला लिम्फोइड स्टेम सेल ठीक है। जब ये निकल आया अब इसके आगे क्या है, इसके आगे ये होता है कि इसमें से क्या निकलता है क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट ठीक है। इसी ये स्प्लीन वाले में से एक और दो तीन निकलते हैं ना, जैसे इसमें से तीन निकले एक दो तीन, इसी तरह स्प्लीन वाले में से एक दो तीन ठीक है। पहला कौन सा क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट, एक कौन सा क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट्स, और एक कौन सा क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट्स ठीक है। जो यूनिट ब्लास्ट है इसमें से आगे क्या निकल जाता है क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स ठीक है, जो आगे जाके बनाते हैं एरिथ्रोसाइट ठीक हो गया। जो है ये क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट, इसमें से ग्रैनुलोसाइट निकलते हैं और मोनोसाइट निकलते हैं, और मोनोसाइट आगे जाके मैक्रोसाइट्स में चले जाते हैं। ये जो ग्रैनुलोसाइट इन्हें याद करने का आसान तरीका जनीब जी और नीबी ठीक है, या बेन, लेकिन अगर आप नीब जनीब से याद रखेंगे तो आपको ईजी होगी। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होते हैं, बेसोफिल आई थिंक सबसे कम होते हैं। अच्छा उसके बाद है ये मेगाकैरियोसाइट बनते हैं कहाँ से क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट मेगाकैरियोसाइट से, और उससे आगे प्लेटलेट बन जाती है। अच्छा अब आ जाते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल, लिम्फोइड स्टेम सेल बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, आसान है कोई मुश्किल नहीं। क्या था इसमें से ये एक दो तीन सेल निकले, इसी तरह इस सेल में से एक दो तीन सेल निकले ठीक है, और ये लिम्फोइड स्टेम में से तो सिंपल दो आ गए बी और टी लिम्फोसाइट वो बन गए ठीक है, लेकिन इसमें से क्या हुआ एक एरिथ्रोसाइट बना, एक ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट वाला बना ठीक है, और एक मेगाकैरियोसाइट। होप सो ये इजीली आपको समझ आ गया होगा। अब उसी की डिटेल देख लेते हैं ठीक है। वो बात क्या करता है द ब्लड सेल बिगिन देयर लाइव्स इन द बोन मैरो फॉर्म अ सिंगल टाइप ऑफ सेल कॉल्ड ल्यूइपोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल, जो मैंने आपको बताया था कि ल्यूइपोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल इसके अंदर क्या है वो मेन है ठीक है। ये वाला सेल ठीक है, ये जो सेल है ल्यूइपोटेंशियल हेमेटोपोएटिक स्टेम ये मेन है ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है फ्रॉम विच ऑल द सेल्स ऑफ द सर्कुलेटिंग ब्लड आर इवेंचुअली ड्राइव्ड ठीक है, इसी से निकलते हैं। फिगर 33.2 शोज द सेक्सिड वीएन ऑफ द ल्यूइपोटेंशियल, ये आपको फिगर मैंने दिखा दी पहले, एज दी सेल पर स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिमेन एग्जैक्टली द लाइक द ओरिजिनल ल्यूइपोटेंशियल सेल एंड इज रिटेन द बोन मैरो टू मेंटेन अ सप्लाई ऑफ दीज ऑल्दो द नंबर डिमिनिश विद एज, जो मैंने ये यहाँ बात की थी कि एक बिल्कुल इस जैसा बनता ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, कि एक बिल्कुल इस जैसा बनता जो मैंने पहले बात की थी कि इसमें से तीन एक दो और तीन, ये बिल्कुल कैसा है इस जैसा है, ये लिम्फोइड वाला है और ये है क्लूनीफॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन वाला ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं फिर हम अपने इधर। अच्छा उसके बाद क्या है अच्छा इनका वो क्या नंबर डिमिनिश करता है एज के साथ, हमने वो पहले यहाँ बात कर ली थी, ऐसा ऐसा कम होते जाते हैं। द इंटरमीडिएट स्टेज सेल्स आर वेरी मच लाइक द ल्यूइपोटेंशियल स्टेम सेल इवन थो हैव ऑलरेडी बिकम कमिटेड टू अ पार्टिकुलर सेल लाइन का कमिटेड स्टेम सेल, ये जो बाद में इनमें इंटरमीडिएट स्टेजेस वगैरह आई हैं ठीक है, लाइक ये क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट है ठीक है, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन है और लिम्फोइड स्टेम सेल है, ये क्या है इसमें कमिटेड स्टेम सेल जिन्हें आप कहते हैं ठीक है, बिकॉज ये इंटरमीडिएट स्टेजेस हैं। उसके बाद डिफरेंट कमेटी स्टेम सेल व्हेन ग्रोन इन कल्चर विल प्रोड्यूस क्लोनी और स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्लड सेल्स ठीक है, और कमेटी स्टेम सेल डेट प्रोड्यूस एरिथ्रोसाइट इज कॉल्ड क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट एंड द एब्रीविएशन CFUE ठीक है, क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट को ई इज यूज टू डिजाइनेट दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल, लाइकवाइज क्लोनी फॉर्मिंग यूनिट डेट फॉर्म ग्रैनुलोसाइट, अच्छा ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट हैव द डेजिग्नेशन ऑफ CFUE GM ठीक है, इसे GM से उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया एंड सो फोर्थ। अच्छा CFUGM ग्रैनुलोसाइट और मोनोसाइट इसका मतलब। अच्छा ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिफरेंट स्टेम सेल्स आर कंट्रोल बाय मल्टीपल प्रोटीन कॉल्ड ग्रोथ इंड्यूसर्स, के जो कंट्रोल करते हैं इनकी ग्रोथ को उन्हें क्या कहते हैं कंट्रोल इंड्यूसर्स ठीक है। एटलीस्ट फोर मेजर ग्रोथ इंड्यूसर्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड ठीक है, जिसमें इंटरल्यूकिन जो 3 है ये प्रमोट ग्रोथ है रिप्रोडक्शन किसकी करता है विच डी आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स की, वेयर इज द अदर इंड्यूसिंग ग्रोथ ऑफ ओनली वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल ठीक है, जो सबकी ऑलमोस्ट करता है आर डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटेड स्टेम सेल्स की जो ग्रोथ को प्रमोट करता है वो क्या है इंटरल्यूकिन 3 है ठीक हो गया। द ग्रोथ इंड्यूसिस प्रमोट ग्रोथ बट नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स विच इज अ
एक्सपेंशन ऑफ अनदर सेट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। जो ग्रोथ इंड्यूसर्स का है ग्रोथ करना है, डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स है ये अलग चीज है जो उन्हें डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ईच ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इंड्यूसर कॉज वन टाइप ऑफ प्रोमेटेड स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट। एक मिनट आपको नजर नहीं आ रहा, हाँ, ईच ऑफ दीज डिफरेंशिएशन इंड्यूसेस कॉजेस वन टाइप ऑफ प्रोमेटेड स्टेम सेल टू डिफरेंशिएट इनटू वन और मोर स्टेप्स टुवर्ड आ फाइनल एडल्ट ब्लड सेल्स, ठीक है। कि जो वो था कौन से प्रोमेटेड स्टेम सेल्स को उन्हें आगे डिफरेंशिएट उन्होंने किया, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइक जो क्लोनीफॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट है इससे आगे जब आप क्लोनीफॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स है और इससे आगे जो ये बनेगा एरिथ्रोसाइट, इसके अब यहाँ क्या चाहिए हमें, ग्रो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स चाहिए, ठीक है, कि ताकि इस क्रोमेटिड स्टेम सेल को इस एडल्ट एरिथ्रोसाइट के अंदर लेके आए, ठीक हो गया। अच्छा वो कहता है फॉर्मेशन ऑफ द ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स कंट्रोल बाय फैक्टर आउटसाइड द बोन मैरो। अच्छा जो फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड ऑफ डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, जाहिर है ये भी कुछ चीज़ें हैं, इनकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, वो फैक्टर्स कुछ होते हैं जो बोन मैरो से बाहर होते हैं। फॉर इंस्टेंस इन केस ऑफ आरबीसी एक्सपोजर ब्लड टू लो ऑक्सीजन, जब लो ऑक्सीजन होगी फॉर लॉन्ग टर्म कैज ग्रोथ इंडक्शन डिफरेंशिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ग्रेटिंग इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, ठीक है। जब लो ऑक्सीजन होगी तो जाहिर बात है हमें बॉडी को ज़्यादा ब्लड चाहिए होगा ताकि वो ज़्यादा, मतलब कि लो ऑक्सीजन है ना तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ज़ाहिबा बॉडी को अपने वर्क करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा बॉडी के अंदर आरबीसीज की प्रोडक्शन को तेज़ करेगा। उसके लिए हमें चाहिए ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स, ठीक है। या इन केस ऑफ सम वाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन डिजीज काज ग्रोथ डिफरेंशिएशन विंचुअल फॉर्मेशन स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स डेट आर नीडेड टू कम्बैट ईच इन्फेक्शन, यानी जब डब्ल्यूबीसीज हमें ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए क्या होगा, इन्फेक्शन वगैरह होंगे बाहर, तो वो क्या करेंगे, ज़ाहिबा जब बीमारी लगेगी तभी वो फौजी ज़्यादा बुलाएंगे ना बॉडी के ताकि उनसे आगे लड़ सकें। तो WBCs का होंगे ज़्यादा, जब इन्फेक्शन वगैरह होगा तो उनकी ग्रोथ इंडक्शन डिफरेंशिएशन वगैरह वाली भी ज़्यादा होंगी और ऐसे WBCs की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी।